नमस्कार दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आरआरबी एनटीपीसी में जो भी आपके 31 मार्च 2019 मतलब कल तक जितने भी फॉर्म भरे गए हैं कल रात को 12 बजे तक, उसका मैं आपको अप्रोक्सीमेट डेटा बताऊँगा। इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता जो भी मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। दोस्तों मैं पहले आपको जो राइट साइड में आपको वैकेंसी दिख रही है, मैं वैकेंसी आपको सबसे ज़्यादा जिस स्टेट में वहाँ से स्टार्ट करूँगा, वो स्टेट सबसे ऊपर रखूँगा। वैकेंसी से रिलेटेड मैं आपको बताता रहूँगा कितने फॉर्म भरे हैं, ठीक है। जिसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी है उसको सबसे ऊपर रखा, और जैसी वैकेंसी डिक्रीज़ होती रहती है उनको मैंने लाइन वाइज नीचे रखा गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें आरआरबी जोन की, आरआरबी जोन में पहला आता है अलाहाबाद जोन। आरआरबी अलाहाबाद में दोस्तों 4099 वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी जोन में, और सबसे ज़्यादा फॉर्म भी 18 लाख फॉर्म भरे गए हैं अलाहाबाद में। ये इससे ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा आरआरबी मुंबई जोन। मुंबई जोन में 12 लाख फॉर्म भरे गए हैं, और जो वैकेंसी है वो इसमें सेकेंड लास्ट वैकेंसी है, मतलब सबसे ज़्यादा वैकेंसी से थोड़ी सी कम है, 3663 वैकेंसी है मुंबई में, जिसमें से 12 लाख फॉर्म भरे गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में 11 लाख फॉर्म भरे गए, वैकेंसी है 3234। उसके बाद आएगा कैलकटा या कोलकाता। कोलकाता में 9 लाख वैकेंसी है जिसमें हमारे फॉर्म भरे गए हैं 9 लाख फॉर्म भरे गए जिसमें हमारी वैकेंसी है 2949, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप जो लोग आरआरबी की तैयारी कर रहे हो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, और आपको अगर किसी सब्जेक्ट पे लाइक बायोलॉजी वगैरह पे आपकी वीडियोस की डिमांड है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं आपकी डिमांड फुलफ़िल करूँगा। नेक्स्ट है हमारे पास कोलकाता। कोलकाता हो गया चंडीगढ़। चंडीगढ़ में दोस्तों 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं जिस जबकि हमारे पास वैकेंसी है सिर्फ 2483। उसके बाद आता है चेन्नई। चेन्नई में हमारे फॉर्म भरे गए हैं 10 लाख, वैकेंसी है 2694। उसके बाद बेंगलोर। बेंगलोर में हमारे 9 लाख फॉर्म भरे गए हैं उसके जबकि हमारे पास वैकेंसी है 2470। अजमेर में 8 लाख फॉर्म भरे गए हैं और वैकेंसी हमारी 1173। रांची की बात करें, रांची में 5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, हमारी वैकेंसी है 1386। अहमदाबाद, आरआरबी अहमदाबाद में 5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ दोस्तों मैं ये आपको, उसके अंदर जो वैकेंसी है अहमदाबाद में 1024। बिलासपुर में 4 लाख फॉर्म भरे गए हैं, वैकेंसी है 1207। पटना में भी 4 लाख फॉर्म भरे गए हैं जिसकी वैकेंसी है 1040 के आसपास। जम्मू की बात करें तो 2 लाख फॉर्म भरे गए हैं लेकिन वैकेंसी बहुत कम है, 898। उसके बाद त्रिवनपुरम की बात करें, 2.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, वैकेंसी है 897। गुवाहाटी में 2.3 लाख फॉर्म भरे गए हैं जबकि वैकेंसी है 851। गोरखपुर की बात करें तो 4 लाख फॉर्म भरे गए हैं, वैकेंसी है गोरखपुर में 1298, लगभग 1300 वैकेंसी है और फॉर्म हमारे 4 लाख भरे गए, तो मतलब कंपटीशन ज़्यादा है। भोपाल की बात करें, लगभग 5 लाख फॉर्म भरे गए और वैकेंसी है सिर्फ 1000 के आसपास, 997। भुवनेश्वर की बात करें, 2.3 लाख फॉर्म भरे गए, वैकेंसी है 500 के आसपास, मतलब 498। उसके बाद मालदा की बात करें तो 2.7 लाख फॉर्म भरे गए हैं जबकि वैकेंसी है 1043। सिलीगुड़ी में 84,000 फॉर्म भरे गए हैं, वैकेंसी भी बहुत कम है 443। मुजफ्फरपुर में 83,000 फॉर्म भरे गए हैं और वैकेंसी हमारे पास सिर्फ 329। तो दोस्तों ये हमारा डेटा था आरआरबी एनटीपीसी का, कल तक जितने भी फॉर्म भरे गए हैं मतलब 31 मार्च तक उस सब का डेटा। इससे फॉर्म थोड़े बहुत ज़्यादा ही हो सकते हैं लेकिन इससे कम आपके फॉर्म फिलअप नहीं हुए हैं, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और जो चैनल पर नए हैं चैनल पर को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपका सजेशन है या आपको जिससे रिलेटेड वीडियो चाहिए मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।